घुटनों व जोड़ों के दर्द के लिए 5 पीढ़ियों से अजमाया हुआ खानदानी नुस्खा, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये नुस्खा हर प्रकार के दर्दों में पूरा काम करेगा। इसके बनाने की विधि, जो जड़ी बूटियां मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखो। सबसे पहले इसका नाम है सोने का गूंद, गूंद सोहजना। नंबर एक। नंबर दो, सुरंजान। नंबर तीन, सौंठ, इसको सुंडी बोलते हैं। नंबर चार, अश्वगंध। नंबर पांच, मालकंगनी। नंबर छह, मिश्री। नंबर सात, शिलाजीत। और नंबर आठ, शुद्ध कुचला। इन जड़ी बूटियों की मात्रा और अनुपान के बारे में बताऊंगा आपको मैं। ये सब जड़ी बूटियां इकट्ठी करके कूट के सारी 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। कितने टाइम में इस्तेमाल करनी है? लगातार 1 महीना खानी है। पुराने रोगों के लिए 2 या 3 महीने तक। सारी जड़ी बूटियां आप कहाँ से ले सकते हैं? ये जड़ी बूटियां आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिलेंगी, उपलब्ध होंगी। हमारे यहाँ भी मिलती है ये सब जड़ी बूटियां। बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है ये नुस्खा। हमारा बहुत पुराना अजमायशुदा है, इसके बारे में कोई शक शुबा नहीं हो सकता। ये 100% काम करेगा। ये हर प्रकार के जोड़ों में दर्द, हर प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बैठने में दिक्कत, सबको पूरा काम करेगा। इन नुस्खे की मात्रा जो भाई रह गए हैं दोबारा लिख लो। गोंद सोजना 50 ग्राम, सुरंजान 50 ग्राम, अश्वगंध 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, मालकंगना 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम और शुद्ध कुचला 20 ग्राम। कितने वाले ले लेकर ये नुस्खा बनाएंगे? हाँ, ये सब जड़ी बूटियाँ कूट पीस कर 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, ये 1 महीने का बन गया सामान सारा। चीज़ें 60 पुड़िया बनाओ इसकी और लगातार 30 दिन तक खानी है। इसके लिए परहेज, ठंडी चीज़ें, आलू, चावल, लस्सी, दही, उड़द की दाल, वायु वाली चीज़ें, हाँ, बाय की सब चीज़ें बनाएं।